गुड मॉर्निंग महाराज सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी ए थर्ड ईयर का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंदर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही उसके जो विचारधारा थी प्रारंभ में उदारवादी विचारधारा या जिसको हम बोले नरम राष्ट्रवादियों कि कौन सी विचारधारा थी, कौन से सिद्धांत थे, उनकी क्या मांगे थी, उनके ऊपर भी हम साथ में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इससे संबंधित जो भी चर्चा है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले ही भारत में विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय स्तर पर एक राजनीतिक संस्थाओं का उदय होना शुरू हो गया था। जैसे कि 1840 के दशक में 1838 में जमींदारी लैंडलॉर्ड सोसाइटी की स्थापना हुई जो अपने जमींदारों से संबंधित जो भी मांगे थी वो ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया करती थी। इसी तरीके से बाद में और भी संस्थाएं बनी, इंडियन एसोसिएशन बनी आदि ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने अपने स्तर पर कार्य किया। हाँ, इनमें जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन जो गठित हुआ था उसको हम बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी रूप बोल सकते हैं। उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में। उन्होंने 1883 में इंडियन एसोसिएशन का एल्बर्ट हॉल में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ, वहां अनेक तरह के विचार प्रस्तुत किए और उन्हीं विचारों की पृष्ठभूमि के आधार पर बाद में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, राष्ट्रवादी विचारधाराओं की शुरुआत हुई। इसी तरीके से 1884 में बंगाल नेशनल लीग की स्थापना हुई, इसी तरीके से मद्रास में मद्रास महाजनसभा की स्थापना हुई और बम्बई में जनवरी 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये सभी संस्थाएं विभिन्न प्रांतों में स्थित थी, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं था, अतः इनके जो भी विचार थे बाद में उन्हीं विचारों की पृष्ठभूमि पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वैसे हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिस व्यक्ति का मुख्य योगदान रहा है वह है एलन ऑक्टेवियन हम, के कांग्रेस अधिकारी थे एलन कर दी गई थी, लेकिन ये फिर भी अपनी अपने जो भी इनकी जो मानसिक सोच थी उसके आधार पर एक ऐसा वर्ग ऐसे संगठन तैयार करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सरकार को एक आक्रोश का सामना नहीं करना पड़े। एक तरह से पहचान रहे थे कि अचानक अगर आंदोलन हुआ तो वह किसी के काबू में नहीं रहेगा, तो एक सेफ्टी वॉल के रूप में एक संगठन बनाया जाए जिसका निर्माण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किया। 1883 में इन्होंने कोलकाता के विश्वविद्यालय के जो भी स्नातक थे ग्रेजुएट लोग थे उनको नाम बुला पत्र लिखा और कहा कि सभी को एकत्रित होकर एक संगठन का निर्माण करना चाहिए, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए ताकि भारतीय कल्याण के लिए कार्य हो सके। इसी तरीके से और क्रांतिकारी जो भावनाएं थी उस समय दबी हुई उन भावनाओं को एक तरह से ये वैधानिक रूप उनको दे सके, एक वैधानिक रूप उनको दे सके। 1884 तक आते आप देखते हैं कि एलहुम बंबई की यात्रा पर निकले, वहां पर उन्होंने बंबई और मद्रास के जो भी नेता थे उनसे बातचीत की और उनसे विचार विमर्श किया कि एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से मार्च 1885 में वह एक राष्ट्रीय
संगठन की उन्होंने योजना पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में बना ली थी। मार्च अप्रैल में ही वे बंगाल और उत्तरी भारत की यात्रा पर निकले। वहां पर मैंने राजनेताओं से उनकी मुलाकात हुई और संगठन के बारे में जानकारी करने की उनकी पेशकश की। इसी तरीके से वो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से भी मिले और लॉर्ड डफरिन को भी उन्होंने आग्रह किया कि भारत में एक ऐसी संगठन बनाया जाए ताकि जो भारतीयों का समय पर कोई होश उत्पन्न उत्तेजना उत्पन्न हो जाए या राष्ट्रवादी का आंदोलन के रूप में उत्पन्न हो उसको हम संगठित करके सरकार के सामने उनकी मांगों को पहुंचा सके। हालांकि लॉर्ड डफरिन ने काफी समर्थन भी किया और उन्होंने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा कि जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसमें बंबई जो इनका अधिवेशन होने वाला था वहां पर इन्होंने उनके अध्यक्ष को भी बंबई काउंसिल के अध्यक्ष को भी निमंत्रण की पेशकश की, परंतु लॉर्ड डफरिन ने इनकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई सरकार का व्यक्ति उपस्थित होगा तो विचार स्वतंत्रता का ये जो मंच है उस पर व्यक्ति अपने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। अतः सारी तैयारियां होने के पश्चात 28 दिसंबर मई में ही टेक कर लिया गया था। 1885 में कि दिसंबर में ये अधिवेशन हो पहले पूना में होने का प्रस्ताव था लेकिन पूना में प्लेग के कारण अधिवेशन हुआ नहीं हो सका। फिर 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। और तत्पश्चात इनके द्वारा इसमें 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा भी लिया था और उन्होंने अपनी मांगे कुछ मांगों का इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की जो सरकार से इनको मांगनी थी उन पर इन्होंने विचार विमर्श किया और 3 दिवसीय अधिवेशन चला। इनमें जो प्रस्ताव उनके द्वारा रखे गए उनमें भारतीय प्रशासन की जो उनकी शुरुआती मांगे थी भारतीय प्रशासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, इसी तरीके से केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्यों को ज्यादा मौका दिया जाए, इसी तरीके से सैनिकों में सैनिक खर्चों में कटौती करना, भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक साथ आयोजन करवाना ताकि भारतीयों को बराबर मौका मिल सके, आयात करों में वृद्धि करना क्योंकि आयात कर कम था इससे भारतीय जो माल का फुटकर उद्योग को काफी नुकसान हो रहा था, इनकी बातें उन्होंने अपने प्रारंभिक अधिवेशनों में रखी थी। इस प्रकार से कांग्रेस का जो शुरुआत हुई एक तरह से वे प्रार्थना पत्रों प्रार्थनाओं और ब्रिटिश सरकार के प्रति एक तरह से भक्ति भावनाओं के रूप में हुई। उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया और उनको स्मरण पत्रों प्रार्थना पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से मांगे की कि हमको ये मांगे हमारी मांग लीजिए बाकी सरकार की अपनी कोशिश होगी। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1885 से 1905 तक को हम उदारवादी के रूप में मान सकते हैं। 1885 से 1905 उदारवादी कौन सा युग? उदारवादी। इसके बाद 1905 के बाद जैसे बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन जो है उसके बाद उपराष्ट्रवादियों का दबदबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्थापित हो चुका था इसलिए फिर बाद में उपराष्ट्रवाद की स्थापना हुई उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। उदारवादी युग की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक इन 20 वर्षों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर उदारवादियों का ही वर्चस्व रहा जो कानूनी विनी ने प्रार्थना पत्रों स्मरण पत्रों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी मांगे मानी जाए। वो किसी भी प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। इन नेताओं में दादाभाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता लाल मोहन बोस रास बिहारी गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे राष्ट्रवादी नरम सोच के नेता थे। इन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए इन सभी जो बिल्कुल शांतिपूर्वक साधन थे उन्हीं को अपना आधार बनाया। उदारवाद का जो विकास हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसको उनमें दो बातों का मुख्य रूप से योगदान हम मान सकते हैं। एक तो पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव
ज्यादातर उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा को अच्छा मानते थे। ये भारतीय सभ्यता को पहचानने के लिए और भविष्य में भारतीयों की रूपरेखा तय करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान मानते थे पाश्चात्य शिक्षा का। इसी तरीके से इनका दूसरा जो उनका योगदान रहा, दूसरा उनके विकास में, उनकी सोच में भारतीयों का किसी जाति से जो संपर्क स्थापित हुआ, उनसे भी वो काफी प्रभावित हुए उदारवादी लोग और उन्होंने उसको महत्वपूर्ण माना। इसी तरीके से कई विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य उदारवादियों के जो सोच थी उनके ऊपर रखे। इनमें डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया ने लिखा है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेताओं का जोर, यानी कि 1885 से 1905 के जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनकी सोच, राष्ट्रीय नेताओं का जोर इस बात पर होता था कि निश्चित रूप से अंग्रेज नायकीय हैं और सच्चे होते हैं, और यदि उन्हें भारतीय समस्याओं को सही सही ज्ञान हो जाए तो सच्चाई से कभी नहीं हटेंगे। इसी तरह की सोच गंगाराम बनर्जी ने भी पेश की है और कई और विद्वानों ने इस तरह की सोच रखी है। इनका यह मानना था कि अंग्रेजों को सही सही बातों से अवगत कराया जाए तो भारतीयों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए जो बताया जाता है कि उदारवादी जो सोच थी उनमें ये बात सबसे पहले रखी जाती थी कि वे रिक्वेस्ट करके ब्रिटिश सरकार से कोशिश करते थे कि हमारी बातों को माना जाए। इसमें उनको ज्यादातर सफलता भी, बहुत कम सफलता मिली, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का जो विकास किया है लोगों ने, उन्होंने एक तरह से महात्मा गांधी के आंदोलन की जो नींव थी उसको भी रखा, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो देश को बाद में स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसकी नींव एक तरह से यहीं से रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उदारवादियों की सोच अगर नरम थी तो उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, उन्होंने लोगों के मन मस्तिष्क में एक राष्ट्रवाद की लहर तो जगाई थी। समाचार जितने भी राष्ट्र, आपको बताऊं कि जितने भी अधिवेशन हुआ करते थे इन 20 वर्षों में जो भी हुआ उनमें ये अपने जो हर साल ये जो भी प्रस्ताव पेश करते थे वे प्रस्ताव तत्कालीन समाचार पत्रों में उन बुकलेट्स के माध्यम से छपा करते थे, आम जनता तक वो बातें पहुंचा करती थी। इसलिए राष्ट्रीय उदारवादी लोगों ने शुरुआती जो ने जो अधिवेशन थे उनके माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में नैतिक भूमिका इन्होंने निभाई है। इन सभी परिप्रेक्ष्यों को अगर हम सिद्धांत रूप में इसका विश्लेषण करें तो उदारवादियों के कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये चल रहे थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिश की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए ये काम किया। जैसे कि इनका एक मुख्य सिद्धांत था कि ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। उदारवादियों की सोच ये थी कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं और भारतीयों का विकास हो सकता है। उनका ये मानना था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के प्रति जो, क्योंकि अभी हमारी जो शैक्षिक विकास है या हमारा जो आर्थिक विकास है और जो भी विकास का स्तंभ है वो इतना नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से हम अभी से ही उनके प्रति कोई रोष उत्पन्न करें। वे क्रमिक विकास के पक्षधर थे और ब्रिटिश भक्ति भावना में रहकर ही अपना काम निकालना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के कारण ही हमें हमारी सभ्यता के जो गर्स थे, सभ्यता के जो तत्व थे उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई, और आने वाले समय में भविष्य में भी उन्होंने हमारे लिए शिक्षा का जो प्रसार किया स्तंभ रखा है उसके माध्यम से हमें जो ज्ञान की बातें, ज्ञान जो दिया है उन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से, इसलिए उनके हमारे ऊपर काफी मेहरबानी इसमें रही है। इसलिए वे उनके प्रति कोई रोष उत्पन्न नहीं करते थे बल्कि उनको अपना आइडियल मानकर, ब्रिटिश सरकार को अपना आइडिया मानकर अपना मांगों का निर्माण करना चाहते थे। तो ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी एक तरह भक्ति भावना थी। इसी तरीके से उदारवादियों का एक सोच ये भी थी कि क्रमिक विकास में विश्वास, क्रमिक सुधारों में एक तरह से उनका विश्वास था। उनका मानना था कि आमूलचूल परिवर्तन से हमें नुकसान हो सकता है क्योंकि हमारे लोगों में अभी तक इतनी शैक्षिक और राष्ट्रीय चेतना का इतना विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हमें क्रमिक विकास की आवश्यकता है। धीरे धीरे विकास के स्तर पर जाकर ही हम अपने आप को स्वशासन और स्वराज्य की ओर से ले सकते हैं। इसलिए दादाजी नौरोजी ने जो स्वशासन या स्वराज्य का जो सिद्धांत
1906 के जो कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता में भाषण उन्होंने दिया था, उनमें उन्होंने कहा था कि स्वराज्य स्वशासन का मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिश शासन से बाहर जाकर इसको मांग करें, बल्कि ब्रिटिश शासन के अंदर ही हम स्वराज्य स्वशासन की मांग करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करें, जिसके माध्यम से हम अपना कर्मिक विकास कर सके और अपने को इतना शिक्षित और राष्ट्रीयता का इतना हम इतना अपना अंदर उसको समाहित कर ले ताकि हम आने वाले समय में अपनी जो ब्रिटिश शासक है, ब्रिटिश सरकार है, हमें अपने आप को स्वतंत्र कर दे। इसलिए कर्मिक धीरे धीरे विकास के पक्षधर थे, ना कि आपूल परिवर्तनों के वे पक्षधर थे। इसी तरह से ब्रिटिश स्थायी संबंधों की स्थापना, ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना के लिए पक्षधर थे कौन, उदारवादी लोग, ब्रिटेन से स्थायी संबंध भी स्थापित हो सके। इसीलिए तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादियों का मानना था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के लिए ब्रिटिशियंस के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा हो। तो ब्रिटिशों के साथ यानी कि इंग्लैंड के साथ ये स्थायी संबंध बनाने के पक्षधर थे उदारवादी लोग। इसी तरह से जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, बंगाल का विभाजन के जो आंदोलन चल रहा था उसमें स्वदेशी आंदोलन का उदारवादियों ने केवल आर्थिक दृष्टि से ही उसका समर्थन किया था, लेकिन ना कि राजनीतिक शस्त्र के रूप में। जब विदेशी बंगाल विभाजन का स्वदेशी के समय स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन का समर्थन उदारवादियों ने केवल क्यों किया था, उसके आर्थिक दृष्टि को लेकर, यानी कि ये होना चाहिए कि भारत में भी भारतीय जो उद्योग है, जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होना चाहिए और बाहर से जो आयात करें उसकी उसमें वृद्धि होना चाहिए ताकि देशी उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिले, देशी उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन वे इसको राजनीतिक शस्त्र के रूप में बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि अभी हम इतने परिपक्व नहीं हुए कि हम ब्रिटिश से संघर्ष कर सके और अभी हमें और भी ज्ञान की और भी जागरूकता की आवश्यकता है जो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से उदारवादी लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी विश्वास करते थे। उदारवादी जो भी लोग थे वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरी पूरी विश्वास करते थे। उनको मानना था कि अंग्रेज काफी न्यायप्रिय हैं और समय आने पर वे हमें काफी कुछ देंगे और देते भी आएंगे। उनकी अपनी सोच थी जो उदारवादियों की थी। इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही वे स्वशासन चाहते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने की थी। उनका मानना था कि स्वराज्य स्वशासन जो हमें प्राप्त करना है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहकर ही प्राप्त करना है, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं हुए, हमें परिपक्व होने के बाद ही अपने स्वराज्य स्वशासन की मांग करनी चाहिए, लेकिन अभी हमें उसके अंदर रहकर ये कार्य करना चाहिए। इसी तरीके से वैधानिक उपायों में विश्वास, उदारवादियों के मुख्य जो मांग थी या मुख्य जो विश्वास था उनका वैधानिक उपायों के माध्यम से वे अपनी बातों को रखना जानते थे या उनके आधार पर अपनी बातों को रखना पसंद करते थे। वे किसी भी आमूलचूल परिवर्तन या क्रांतिकारी उग्रवादी सोच का समर्थन नहीं करते थे और सिर्फ वैधानिक मांगों के उपायों के आधार पर, जैसे कि प्रार्थनाओं, प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों, विभिन्न प्रकार के लेटर, चाहे वो भारत सरकार को में दिए जाए, ब्रिटिश सरकार को या इंग्लैंड में, स्मरण पत्रों या पत्रों के माध्यम प्रार्थना पत्रों को भेजकर उन तक पहुंचाया जाए। ये अलग बात है कि उन प्रार्थना पत्रों स्मरण पत्रों पर इतना ध्यान ब्रिटिश सरकार नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उदारवादियों का ये मानना था कि वैधानिक उपायों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को संगठित कर सकते हैं और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकते हैं और समय आने पर जब हम इसमें परिपक्व हो जाएंगे तब हम अपनी स्वतंत्रता या स्वराज्य की मांग जो भी हम रख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उदारवादी जो समूह था उनकी सोच किस तरह की थी। ये एक तरह से उदारवादियों की सोच थी। कहने का मतलब ये कि सारांश रूप हम कह सकते हैं कि वे वैधानिक और कर्मिक विकास के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अंदर आस्था रखते हुए अपने जो भी मांगे थी उनको वे मंगवाना चाहते थे, चाहे वो ब्रिटिश सरकार मांगे उन तक पहुंचाना चाहते थे अंग्रेजों तक बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, और चाहे तो वे सरकार उनकी बातों को माने या ना माने। लेकिन एक बात तो कहने की है कि शुरुआती दौर में
एक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल ने। इसने धीरे धीरे भारतीय में कैसे राष्ट्रीयता की भावना को तो जानते, बाद में जब उग्रवादी सत्ता कांग्रेस का लगभग पूरा वर्चस्व आया तो पूरा अधिकार आया तो ज्यादातर उनका अधिकार उनके संस्थाओं पर रहा, तो उन्होंने फिर उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया। इसके हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। इस उदारवाद या नरम दल की जो मुख्य मांगे रही है इन 20 वर्षों में, उनका सारांश रूप में हम कुछ मांगों पर चर्चा कर लेते हैं जो उनके हर अधिवेशन में मांगे रही है, चाहे उन मांगों को उन्होंने मांगा नहीं मांगा हो, लेकिन हर अधिवेशन में मांगों को वे दोहराते रहते थे। जैसे कि भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए, भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। उदारवादियों का मानना था कि इसका जो खर्चा है ना, उन्होंने इसका औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की कि जो इनका खर्चा है भारत सचिव की इंडिया काउंसिल की इंग्लैंड में स्थित थी, उसका खर्चा भारतीयों को ही देना पड़ता था, इसलिए भारत में धन का निष्कासन हो रहा था। तो एक तरह से उनका मांग थी कि इस इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए या फिर इसका खर्चा ब्रिटिश सरकार अपने स्तर पर खुद ही उठाए, एक मांग तो ये थी। दूसरी मांग, केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार किया जाए और मनोनीत सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित तथा गैर सरकारी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, जिससे कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो सके, प्रतिनिधि एक सोच का विकास भी हो सके। ये उदारवादियों की प्रमुख मांग थी। इसी तरीके से उच्च जो सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान ही अवसर दिए जाए, जो भी उच्च सार्वजनिक पद थे उन पर उन पदों पर भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान क्या दिया जाए, बराबरी का इस्तेदार बनाया जाए, उनको समान अवसर दिया जाए। इसी तरीके से भारतीय जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है उसका आयोजन भारत में भी कराया जाए और साथ में उसके आयु को भी बढ़ाया जाए, ताकि भारतीय लोग भी सिविल सर्विस परीक्षा में भाग लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ सके और अंग्रेजों के समान स्तर पर अवसर प्राप्त कर सके। इसी तरीके से उदारवादियों की एक और मांग थी, कार्यकारिणी तथा न्याय संबंधी जो प्रशासन है उसको अलग कर दिया जाए, पृथक किया जाए, तथा मुकदमों की सुनवाई में चूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। उदारवादियों की मुख्य मांग ये भी रही है कि कार्यकारिणी और न्याय जो प्रशासन है जो संबंधित था उसको अलग किया जाए, ताकि न्याय और कार्यकारिणी दोनों अच्छे से चल सके, करप्शन भी नहीं हो सके। इसी तरीके से उनकी ये भी मांग थी कि जो जूरी प्रथा है उसको महत्व दिया जाए, उस प्रथा को मान्यता दिया जाए, ताकि न्याय का अच्छे से ढंग से पालन किया जाए। इसी तरीके से उदारवादियों की एक मांग ये भी थी अपने प्रस्ताव में उन्होंने रखी कि भारत से धन का निष्कासन रोका जाए, जो विभिन्न रूपों में धन का निष्कासन हो रहा था उसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो रहा था, भारतीय लोगों पर पड़ रहा था, उसकी मांग में से प्रमुख मांग थी। इसी तरीके से उनके एक मांग ये भी थी कि सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज भी स्थापित किए जाए, सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज भी स्थापित किए जाए, क्योंकि ये कॉलेज इंग्लैंड में हुआ करते थे, तो भारत में भारत के परिस्थितियों के अनुसार भी कॉलेज स्थापित किए जाए। इसी तरीके से भारत सचिव काउंसिल में तथा प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए, जो प्रीवी काउंसिल है और भारत सचिव की जो काउंसिल है, क्योंकि भारत के संदर्भ में ही काम होता था, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल की मांग थी। इसी तरीके से भारतीयों को पर जो भारतीय किसान वर्ग है उसके वजन को कम करने, उसके बोझ को कम करने के लिए भू राजस्व कम किया जाए तथा उसको फिक्स किया जाए और आने वाले 20-30 वर्षों तक उसको फिक्स कर लिया जाए, ताकि भारतीय कृषकों को इसका भार ना पड़े। इसी तरह से नमक जो कर है उसको भी कम किया जाए, नमक कर को भी कम किया जाए, ये उदारवादियों की मांग थी। इसी तरीके से भारतीयों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, भारत में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी उदारवादियों की निरंतर मांग रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि उदारवादियों की मुख्य मांग थी, काफी महत्वपूर्ण मांग थी, आवश्यक मांग थी, सभी मांगे विभिन्न समाचार पत्रों में समय समय पर जब इनका अधिवेशन हुआ करता था तब ये छपा करती थी और ये छपकर भारतीय लोगों तक पहुंचा करते थे, जितने भी शिक्षित भारतीय थे उनको पढ़ा करते थे और उनमें एक तरह से राष्ट्रीय भावना का इन्होंने विकास एक तरह से किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन उदारवादियों की जो कार्यविधि उनकी चर्चा भी हम पहले भी कर चुके हैं, वही प्रार्थनाओं, स्मरण पत्रों
और अनुनय विनय के माध्यम से ब्रिटिश भक्ति को प्रमुखता देते हुए ब्रिटिश महारानी के प्रति अपनी आज्ञाकारी पालन करते हुए इस तरह की कार्यविधियों के माध्यम से भारत में भी और इंग्लैंड में भी वहां तक अपनी मांगों को निरंतर पहुंचाते रहते थे। इस तरीके से अनुनय विनय के माध्यम से इंग्लैंड में उदारवादियों ने कुछ सुधार समितियों की स्थापना की ताकि इंग्लैंड के अंदर रहकर ही हम भारतीयों से संबंधित जो भी परेशानी है भारतीयों की या भारत की जो स्थिति है उसकी स्थिति और परेशानी से इंग्लैंड के लोगों को भी अवगत कराया जा सके। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत की थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादाभाई नौरोजी ने 1867 में 1887 में लंदन में भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जिसके माध्यम से वे भारतीयों की परेशानियों भारतीयों की परिस्थितियों का को अवगत कराते थे इंग्लैंड में लेकर। इसी तरीके से 1888 में विलियम डिग्बी ने भी की सहायता से इंडियन एजेंसी स्थापित की गई। ये भी भारतीयों के बारे में जानकारियां दिया करती थी इंग्लैंड में। और 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति भी बनी जो इंग्लैंड में रहकर भारत से संबंधित जानकारियों को शेयर किया करती थी उनके लोगों को और वहां के जो संवैधानिक ढांचा है उन संवैधानिक संस्था है चाहे वो कॉमन सभा हो लोक सभा हो वहां तक की बातें पहुंचाया करती थी। इसी तरीके से 1893 में भारतीय संसद समिति भी बनाई गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में रहकर उदारवादियों ने अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए कई समितियों का गठन किया। आइए थोड़ा सा इसका जो अंग्रेजी सरकार की जो नीति थी उदारवादियों के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में जब देखा जाए तो एएम हून के द्वारा ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो उससे पहले उन्होंने लॉर्ड डफरिन जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे उनसे भी उन्होंने राय मशवरा किया था तो उन्होंने काफी समर्थन भी किया था। उनकी मांग ये भी थी कि चूंकि इंग्लैंड में जब सरकारें होती तो उनके विपक्ष जो सरकार की जो कमियां हैं उनको पहुंचाने के लिए वहां पर एक स्ट्रक्चर है उनकी त्रुटियों से अवगत कराने के लिए। भारत में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इससे भारतीयों को काफी फायदा होगा। ये डफरिन की शुरुआती सोच थी उनकी मांग थी। और फिर 1887 तक भी ब्रिटिश जो भारतीय गवर्नर जनरल या मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर ने कांग्रेस का कोई विरोध नहीं किया बल्कि उनको बहुत आजादी भी दिया करते थे। लेकिन 1887 के बाद से परिस्थितियों में परिवर्तन शुरू हो गया। एक तो लॉर्ड डफरिन और एएम हून के मध्य कुछ व्यक्तिगत संबंध को लेकर भी मनमुटाव हो गया था। दूसरा उनको ऐसा लगने लग गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल को हमें चुनौती दे सकती है हमारी सरकार को इसलिए उनसे दूर रहने का उन्होंने फैसला किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों में तो उन्होंने संपर्क किया फिर धीरे धीरे 1887 के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर को ध्यान नहीं दिया बल्कि लॉर्ड डफरिन बाद में इसका मजाक भी उड़ाया करते थे और कुछ लोगों की इसको संस्था बताते थे ना कि इसको भारतीय सरकार का एक प्रतिनिधित्व इनको बताते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं फिर लॉर्ड कर्जन के समय हम देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत प्रतिक्रियावादी नीति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मकबूल उड़ाया अपने गवर्नर जनरल के काल में। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की नीति के 2-3 वर्ष शुरुआत में थोड़ा नरम रहे लेकिन बाद में फिर आजादी तक इनका इन पर हंडर चलता रहा उनकी मांगों को ज्यादा नहीं दिया। हाँ ये बताया जाता है 1892 में जो भारत प्रतिशत जो एक्ट लागू हुआ था उसमें कुछ मांगे बताई जाती है कि कांग्रेस के दबाव में की गई लेकिन इस पर विद्वान में थोड़ा सा मतभेद विद्वान लोग इतनी कुछ मांगे उनकी मांगे नहीं मानी गई थी। इस प्रकार से हमने उदारवादियों का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में 1885 को और उसके जो प्रारंभ में 20 वर्ष उनको जैसे उदारवादियों का वर्चस्व था जिसमें दादाभाई गुरुजी फिरोज शाह मेहता स्वर्गनाथ बनर्जी लालमोहन घोष और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्वानों का या जैसे उदारवादियों का काफी वर्चस्व रहा उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। इस प्रकार से हम इस पर चर्चा की। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के व्यक्तित्व और उनके जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक जो सुधार थे उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ताकि उदारवादियों का की जो सोच थी उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश पड़ सके गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर जैसे कि बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले के टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।